Hello, dear students of class 12th. Today we are going to continue the autobiographical piece that is C.V. Raman, which we are reading these days. Dr. C.V. Raman, the celebrated genius, is the title of our lecture, of our chapter. So we will continue from page number 86. Please open your books and I'll start from the first paragraph. I study science not because anything is going to happen to me, but because I feel it is a kind of worship of this great goddess nature of which we are a part. फिर C.V. Raman sir हमें क्या बोलते हैं कि हम साइंस को मैं साइंस को इसलिए पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, because anything is going to happen to me, कि मुझे कुछ होने वाला है या कुछ होने वाला है, but because I feel it is a kind of worship of this great goddess nature of which we are part. मगर मैं साइंस को इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि साइंस पढ़ने से हम एक तरह से अपनी जो एक गोडेस है, एक जो देवी है नेचर जिसका हम हिस्सा है, उसकी हम इबादत कर रहे हैं. एक तरह से मुझे साइंस पढ़ना नेचर की इबादत करने जैसा लगता है, इसलिए मैं साइंस पढ़ता हूँ. That has been my inspiration as a man of science. और साइंटिस्ट होने की वजह से, साइंस पढ़ने वाला इंसान होने की वजह से ये मेरा एक इंस्पिरेशन रहा, एक सोर्स रहा है जो मुझे मोटिवेट करता रहता है साइंस पढ़ने के लिए. आई नाउ फील दैट दैट इज द वन थिंग दैट कैन ऑलवेज मेक अ मैन हैप्पी एंड द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ नॉट ओनली इन नेचर और आवर ओल्ड फ्रेंड्स ओल्ड म्यूजिक एंड द थिंग्स वी हैव अराउंड अस. I now feel that is the one thing that can always make a man happy. और मैं अब सोचता हूँ कि एक ऐसी ही चीज़ है जो इंसान को हमेशा खुश रख सकता है. The small things in life, not only in nature, कुदरत कहीं नहीं बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ें, our old friends, हमारे जो पुराने दोस्त हैं, old music या जो पुराना आपको music जो पसंद है, एंड द थिंग्स वी सी अराउंड अस, और वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द देखते हैं वो हमें बहुत खुशी देती है. उसी तरह नेचर के जो भी एलिमेंट्स चीज़ें हमें कॉमन मिलती हैं उनको एन्जॉय करने से भी खुशी मिलती है, वैसे ही हमारे इर्द गिर्द जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, यादें हैं, उनको ताज़ा करने से भी खुशी मिलती है. मैनी ए टाइम आई वुड लाइक टू गो बैक टू देम, और इसीलिए बहुत बार मैं उनको दोबारा सोचता हूँ, दोबारा उनके पास जाता हूँ. किन के पास जाता हूँ? पुराने दोस्त, पुराना म्यूजिक या जो पुराने मेरे चीज़ें होंगे उनके पास मैं जाता हूँ. इट मे बी ए साइन ऑफ सिनिसिज्म बट आई वुड लाइक टू गो बैक टू कॉमन थिंग्स ऑफ लाइफ. हाँ, ये एक तरह से मेरा फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हो सकता है, एक तरह से मेरा सेल्फिशनेस हो सकता है, एक तरह से ये मेरे में एक खामी हो सकता है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन चीज़ों के पास वापस जाता हूँ. A glass of cold water, for example, gives us vigor and freshness. मिसाल के तौर पर ठंडे पानी का एक ग्लास जो हम पियेंगे वो हमें कितना जोश, कितना कुव्वत देता है और हम कितने ताज़ा हो जाते हैं. I can assure you there is no pleasure in this world to a healthy man. There is no pleasure in this world after a vigorous exercise or doing something hard. Then go home and have a glass of cold water. मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ, मैं आपको एश्योरेंस यकीन के साथ कहता हूँ कि दुनिया में किसी सेहतमंद इंसान के लिए कोई भी आराम नहीं है और मतलब कोई ऐसा ज़बरदस्त एक्सरसाइज, एक बिल्कुल थका देने वाला एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई आराम नहीं है, या एक मुश्किल काम करने के बाद भी इतना आराम नहीं है जितना हमें घर जाने पर है. और घर जाकर ठंडा एक ग्लास पानी का अगर पियेंगे तो उसमें जितना आराम है उतना बाकी चीजों में इतना आराम नहीं है. इफ यू हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू अप्रिशिएट दैट, और अगर आपने इस चीज की सराहना करने की कुव्वत खो दी है, यानी कि घर जाके ठंडे ग्लास का एक पानी जो हम गर्मी के मौसम में पीते हैं उसके अगर आप तारीफ करने, सराहना करने वाली कुव्वत अगर आपने खो दी है, यू मे एस वेल ड्रिंक अ कप ऑफ हेमलॉक एज सोक्रेटिस हैड टू डू. तो फिर आपको सोक्रेटिस की तरह एक जहर का जाम पी के मर जाना चाहिए, तो आपके लिए दुनिया में और ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है. आई हैव अनदर वर्ड टू से, और मैं अब दूसरा कोई चीज, दूसरा कोई बात बोलना चाहता हूँ. वी ऑल स्पीक ऑफ पेट्रोटिज्म, हम देशभक्ति की बहुत बात करते हैं. वट इज पेट्रोटिज्म, फिर एक्चुअल में सही में पेट्रोटिज्म क्या है? आई वॉन्ट यू टू थिंक इट ओवर
एंड इन द लास्ट एनालिसिस ब्रिंग डाउन पेट्रियटिज्म टू ए फिजिकल टर्म। तो मैं मानता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज के बारे में बार बार सोचे और आखिर में जाकर अपने खुलासे में आखिर में जाकर आप पेट्रियटिज्म को एक फिजिकल टर्म तक लाएं, फिजिकल लफ्ज तक, एक जिस्मानी लफ्ज तक पेट्रियटिज्म को आप लाएं, एनालाइज करके इसके बारे में सोच सोच के। आई हैव थॉट ऑफ द प्रॉब्लम, और क्योंकि मैंने इस मसले के बारे में बहुत सोचा है। पेट्रियटिज्म बॉयल्स डाउन टू द लव ऑफ द अर्थ, और जो देशभक्ति है वो एक तरह से दुनिया भक्ति तक आ जाता है। यानी कि पेट्रियोटिक होना, अपने देश वतन से मोहब्बत करना, एक तरह से अगर हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो दुनिया से मोहब्बत करना, धरती माँ से मोहब्बत करने जैसा है। वी आर ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम सारे इसी जमीन से हैं। तो राइटर हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि है तो हम सब एक सिंगल प्लेनेट के वासी हैं, सिंगल प्लेनेट के सिटीजन्स हैं, बट हम बटे हुए हैं, हम अलग अलग देश, दुनिया, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कंटिनेंट्स में बटे हुए हैं। तो अगर उनके बाहर आकर, उनके तरह लिमिटेड नहीं सोचकर पूरी दुनिया को एक देश की तरह देखेंगे, एक अपने वतन की तरह देखेंगे, तो हमारा जो देशभक्ति है इंडिविजुअल नेशंस का, इंडिविजुअल कंट्रीज का, वो एक तरह से पूरी दुनिया की देशभक्ति है। पूरी दुनिया, हम खुद दुनिया को प्यार कर रहे हैं, हम दुनिया को चाहत कर रहे हैं। तो इस तरह हमें समझा देते हैं, क्योंकि हम सारे हैं तो अर्थ से ही है, जमीन से ही है, हमारा वजूद इसी पर निर्भर है। When we die, we return to the earth, और हम जब मरेंगे तो हम इसी जमीन के पास वापस जाना है। Dust to dust, धूल बनके, ashes to ashes, या जो अस्थियां होती हैं उस तरह हम बिखर के, टूट कर आकर इसी दुनिया में वापस जाना है। The human body, whether cremated or buried, returns to the earth, जो इंसानी जिस्म है मरने के बाद या तो उसको क्रियाकर्म किया जाएगा या उसको दफन किया जाएगा। तो इन ए वे एक ही बात है कि हम जमीन के पास वापस जाएंगे, हम हवा में नहीं उड़ जाएंगे, हम गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि इसी धरती माँ के पास वापस जाएंगे। सीता वास फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न टू द अर्थ। सीता जो थी रामायण मिथोलॉजी, जो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो राम थे भगवान, उनकी जो वाइफ थी सीता, वो भी इसी दुनिया से थी और इसी जमीन के पास वो चली गई। This good earth sustains us, जो ये प्यारा, जो ये बहुत अच्छा जो जमीन है वो हम सबको सस्टेन करता, हम सबको देखभाल करता, हमें ग्रोथ करता, हमारे सपोर्ट करता है। On earth grows green grass which the cow eats and which in turn gives milk for consumption by a vegetarian like myself as well as non-vegetarian। जो अर्थ है, इसी अर्थ पे घास उगता है, इसी घास को गायें खाते हैं और वही गायें दूध देती है, जो मेरे जैसा एक वेजिटेरियन बंदा होगा वो भी पी सकता है, वो भी एंजॉय कर सकता है, और कोई नॉन वेज होगा वो भी इस चीज को एंजॉय कर सकता है, इस गाय के दूध को एंजॉय कर सकता है। तो इस लिहाज से धरती माँ हमें खाना पीने का इंतजाम करती है, हमारे लिए रहने की जगह देती है, और हमें मरने के बाद वापस भी एक्सेप्ट कर लेती है। Ultimately, it is the earth and the things that grow upon it that sustain us and feed us and make human life possible. तो आखिरकार यही धरती माँ है जो हमें, मतलब हमें एक तरह से पनाह देती है और जिस पे चीजें उगती है, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी दुनिया पर मुमकिन हुआ है। तो आखिरकार ये दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। I think ultimately the love for the land means love of the earth. तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जमीन से मोहब्बत करने का मतलब है दुनिया से मोहब्बत करना, which has borne us, जिसने हमें आज तक हमें बर्दाश्त किया, हमें परवरिश किया, हमारा ख्याल रखा है, and which sustains us, और जो हमें और भी सपोर्ट कर रहा है, अभी भी हमें सपोर्ट कर रहा है, नरिश कर रहा है। I want you to appreciate the meaning of love of earth. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सराहना करो कि असल में जमीन से, अर्थ से प्यार मोहब्बत करने का मतलब क्या है। द लव ऑफ अर्थ शुड बी शोन बाई टेंडिंग टू हर, जो जमीन से मोहब्बत करने का जो हमारा ख्याल है, हम जो मोहब्बत करते हैं, वो हमें इसका देखभाल करके दिखाना चाहिए, जमीन का देखभाल करके। इफ शी इज रथलेसली डिस्ट्रॉयड वी शैल ऑल्सो डाई विथ हर, अगर हम अंधाधुन बेपरवाह होकर इस जमीन की, इस दुनिया की तबाही करें, तो हम इसके साथ ही मर जाएंगे। द ट्रेमेंडस प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ फूड इन द
कंट्री बॉयल्स डाउन टू दिस दैट वी हैव लेफ्ट द लव ऑफ अर्थ टू इग्नोरेंट पीपल हु नो नथिंग ऑफ द एडवांस ऑफ साइंस। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है जो हमारे कंट्री में खाने पीने की चीज़ों की कमी है, और इसके पीछे वजह यह है कि हमने इस धरती माँ से प्यार मोहब्बत करना ऐसे जाहिल गवार लोगों के हाथों में दिया है जिनको साइंस के एडवांस के बारे में पता नहीं है। वी एजुकेटेड पीपल हु अंडरस्टैंड साइंस डू नॉट लव मदर अर्थ। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आजकल हर ओहदे पर हर मकाम पर हैं, हमें साइंस तो आती है, हमने साइंस तो पढ़ा है, समझ आती है, मगर हमें धरती माँ से प्यार मोहब्बत करने वाला कंसेप्ट हमें समझ नहीं आता। नॉलेज ऑफ साइंस विल मेक अस क्रिएट एनीथिंग but unless we have that vision, that desire to love mother earth, we shall not make any advance. science ka ilm hona hame bahut kuch banane kuch bhi banane ki salahiyat deti hai, magar jab tak hamare mein ek dur drishti nahi hogi, jab tak hum dur tak dekh aur soch nahi payenge aur hame dharti maa ka khayal rakhne ka pyar mohabbat karne ka khwahish nahi hoga to hum koi tarqi nahi karenge, kyunki jitna science and technology badh raha hai utna earth ko nuksan pahunch raha hai, to ye hamara wahi vision nahi hone ki wajah se hai। I think it is a duty laid on every educated man to create something, to see something grow। isliye main sochta hu ki har padhe likhe insaan ki ye zimmedari hai ki wo कुछ नया बनाए या कोई चीज को ग्रो होते हुए देखे, फलते फूलते हुए बढ़ते हुए देखे। आई से दिस नॉट एज पार्ट ऑफ द ग्रो मोर फूड कैंपेन, आई हैव नॉट बीन पेड टू डू प्रोपेगेंडा फॉर इट। और मैं ये जब चीजें उगाने का, चीजें बढ़ाने का, चीजें ग्रो करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये ग्रो मोर फूड कैंपेन की वजह से नहीं कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है कि मैं उनकी बात को फैलाऊं, प्रोपोगेट करूं। I am telling you this in the same spirit as a famous Roman did। मैं ये आपको उसी जोश से, उसी नियत से, उसी मतलब से बोल रहा हूँ जैसा एक बहुत ही मशहूर रोमन ने कहा था। When once Rome was in danger, जब रोम एक बार खतरे में था, the people wanted to have him as a dictator to save Rome। तो लोग चाहते थे कि वो रोम का मशहूर शख्सियत उनका तानाशाह बने, उनका डिक्टेटर बने और उनकी देश का खिदमत करे। When they went to him, they found him plowing the land with his own hands and tending his farm। जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो ग्रेट रोमन जो है वो अपने खेत को खुद के हाथों से जोत रहा है, ख्याल रख रहा है और उसको पानी और जो भी बाकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो सारी चीजें दे रहे हैं। आफ्टर ही बिकेम ए डिक्टेटर ही वेंट बैक टू द लैंड एंड सेट दीज प्लांट्स आई हैव ग्रोन। और जब वो डिक्टेटर बन गया, फिर वो अपनी जमीन, अपने खेत खलियान के पास वापस गया और कहा कि इन पेड़ पौधों को मैंने ग्रो किया है, आई गिव देम वाटर, मैं इनको पानी देता हूँ, आई गिव देम लेबर, और मैं इन पर मेहनत करता हूँ, एंड दे रिपे, और ये मुझे उसका सिलाह देते हैं, उसका मुझे तोहफा देते हैं, उसका इक्वल मुझे बेनिफिट देते हैं, फायदा देते हैं। वी शुड वर्क इन दिस स्पिरिट। इसीलिए हमें धरती माँ का ऐसे ही जोश से, ऐसे ही नजर से, मंजर से ख्याल रखना चाहिए। हम धरती माँ को जितना मेहनत, प्यार, मोहब्बत करें, इस पे खेती करेंगे, बाकी चीजें, अच्छी चीजें करेंगे, तो उतना ही हमें फायदा देगा, हमें मुनाफा देगा। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ेंगे, खराब करेंगे, तो उतना हमारा माहौल खराब होगा और हमारा एग्जिस्टेंस दिन ब दिन मुश्किल हो जाएगा। द मोर यू हेल्प अ मैन द लेस ग्रेटफुल ही इज टू यू। आप अगर दुनियावी लिहाज से, हम इंसानी हिसाब से बताएं, तो जितना आप एक आदमी का मदद करेंगे वो उतना कम आपका शुक्रगुजार होगा। इट इज हाउएवर आवर ड्यूटी टू हेल्प फेलो बींग्स एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू शो एनी ग्रेटिट्यूड इन रिटर्न। मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हम इंसानों की मदद करें और उनसे कोई तोहफे का, उनसे कोई शुक्रगुजारी का कभी उम्मीद ना रखें, अपना जिम्मेदारी अपनाएं और उम्मीद ज़्यादा ना रखें। इफ दे डू शो वी आर वेरी हैप्पी एंड मोर फॉर्चुनेट, मगर अगर वो हमारी मेहनत का, हमारी मदद का अगर वो शुक्रगुजार हों और वो हमें बताएं, हमें जताए, तो हम बहुत ही खुश हो जाएंगे और हम बहुत ही खुशकिस्मत है अगर ऐसा हुआ तो। द प्लांट ऑन अर्थ
विल नेवर फेल टू रीपे एनी अटेंशन वी बेस्टो इन इट। मगर जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल 100% कोई भी आप उस पर मेहनत काम करेंगे तो वो आपको तोहफा, आपको उसका मुनाफा देने से कभी नहीं चुकेगा। जितना आप मेहनत उस पर मशक्कत करोगे, उस पर इतना मतलब अता करोगे इतनी चीजें, तो उतनी चीजें वो आपको वापस दे देगा, वापस अता करेगा, वापस आपको फायदा देगा, नुकसान ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो आज के लिए हम यही रोकते हैं। We will continue the lesson further and hopefully tomorrow we will finish this chapter. Thank you so much for watching.